अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। और रमज़ान के काफ़ी टफ़ स्केड्यूल के बाद आ गई थी हमारी ईद, और आज था ईद का फर्स्ट डे और हम गए MCR मलिक कैफ़े एंड रेस्ट्रो। और जैसे हम वहाँ पहुँचे देखा बहुत अच्छा सा डेकोरेट तो किया हुआ था, बट लेकिन बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर रश था, बहुत ज़्यादा क्राउड था कि आपको अगर मतलब आना है तो काफ़ी वेट करने की ज़रूरत है। पहले आपने वेट करना है ताकि अगर कोई सीट फ्री हो देन आप बैठ सकते हैं, वरना आपको जगह फर्स्ट मतलब आपके जो अपर फ्लोर है वहाँ भी रिज़र्व थी बहुत सारी सीटें, और जो आपका फ़र्स्ट फ्लोर पे जो है जो पोर्शन था वो भी फुल था। उसके बाद काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैं और हया बैठ गए, साथ भी बैठ गए, साथ मेरे फ्रंट सीट पर बैठे थे और ये मेरी बेटी खड़े होकर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। उसे जो लाइटिंग हुई हुई थी यहाँ पर, जो बैलून्स लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद हमारे पास आ गया मेन्यू कार्ड, उस पर हम देखने लगे कि हमें क्या मंगवाना है। हम गए थे तकरीबन ईद के इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं रात के 1, और आप देख सकते हैं कि ईद का फर्स्ट डे है और रात के 1 बजे भी इतना ज़्यादा रश है, तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। उसके बाद फिर ये हमें बता रहे थे कि सर अगर आप अभी ऑर्डर देते हैं हमें तो आपको कम अज़ कम 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ऑर्डर आएगा। तो फिर हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी से ऑर्डर दे देते हैं, ऐसा ना हो कि फिर हम देर से दें और फिर और देर हो जाए। और मेरी बेटी बैठ चुकी थी ऊपर और खेल रही थी बैलून से, उसे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो छोटी ही, जब वो सोफे पे बैठी तो उसे नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद वो ऊपर बैठ गई। ऊपर बैठने के बाद फिर हमने ऑर्डर दे दिया था लेकिन हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। फिर मैंने कहा हया को कैसे बहलाऊँ, हया तो बहुत शरारत कर रही है, तो फिर मैंने हया को मोबाइल में लगा के उसका मन पसंदीदा जो वो देखती है उसे वो लगा के दे दिया। उसके बाद मैं और साथ ऐसे ही बैठे इंतज़ार कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम वेट कर रहे थे, वहाँ पे जो भी लोग आए हुए थे वहाँ पे हर कोई वेट कर रहा था अपना ऑर्डर देने के बाद। और मैं यहाँ देख रही थी ये बच्चे हैं जो ये हमारे सामने जो लोग हैं उनके साथ जो बच्चे आए हुए थे ये काफ़ी शरारती बच्चे थे, बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे थे और बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे थे। और हया इन्हें देख कर बार बार भागने की कोशिश कर रही थी, बट मैं इनको रोक कर रख रही थी कि नहीं अभी नहीं, आपने यहाँ बैठो, आप यहाँ भागना नहीं है, आप मामा बाबा के साथ बैठो। इंतहा हो गई थी कि हम थक गए थे इंतज़ार करते करते। फिर मैंने सोचा अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा खेल लूँ, फिर वो कभी नीचे उतर रही थी कभी ऊपर चढ़ रही थी, उसे सोफ़े पे चढ़कर सारी चीज़ें ज़्यादा आसानी से नज़र आ रही थी तो वो बैठ गई। उसके बाद फाइनली 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारा जो है खाना आ गया था, और ये हमारा खाना आप देख सकते हैं कि हमने क्या मंगवाया। हमने मंगवाया था प्लेटर जो कि MCR में अभी न्यू इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, तो अभी मैंने बोला यार इसे हम काटेंगे कैसे, इतने में जो है ये भाई आ गए थे, इन्होंने फिर अपने कमाल दिखाया और इसे इस तरीके से कटिंग की, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे वीडियो में कैप्चर किया जाए। और ये मेरे भाई बहुत अच्छी तरीके से कटिंग कर रहे थे इसे, जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से कटिंग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि मतलब कि एक अच्छा होता है, एक टेस्ट तो आपका अच्छा है खाने का, लेकिन आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये इनकी प्रेजेंटेशन ही है जो हम देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फॉक्स और नाइफ से कटिंग करने के बाद इसे जो है ओपन कर दिया, और इसके अंदर हमारा जो था खाना था प्लेटर विथ राइस। इसमें हमने डील मंगवाई थी तो इनमें सारी चीज़ें थी, मलाई बोटी भी थी, टिक्का भी था और सीख कबाब भी थी, सारी चीज़ें मतलब थी आपके चिकन आइटम्स के। उसके बाद मेरी बेटी देख रही थी, मुझे लगा इसे काफ़ी शौक़ होगा खाने का, काफ़ी मतलब इसकी प्रेजेंटेशन देख के, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। फिर हमने खाने के बाद फिर हम उतरने लगे, तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि पीछे ऐसी कोई लाइटिंग वाली चीज़ है, तो फिर मैंने फोकस किया तो फिर मैंने आपको भी दिखाया कि क्या चीज़ है, आप भी देखिएगा। तो कैसा लगा मेरा मिनी वीलॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।